परवेज खट्टक साहब का खाका। परवेज खट्टक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की बेवा हैं, भादर आदमी हैं, किसी गम में सीना को भी नहीं करते, जितनी देर सीना ढूंढने में लगती है गम गुजर जाता है। मौलाना फजलुर रहमान वो सियासतदान हैं कि दो बंदे उनके साये में सो सकते हैं, जबकि परवेज खट्टक जैसे दो मिलें तो एक साया बनता है। चलते हुए ज़रा हवा तेज़ हो जाए तो इनकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। परवेज खट्टक हमारे वो सियासतदान हैं जिनको दिखाकर बंदा किसी भी मुल्क से उधार मांग सकता है। तारीख़ पैदाइश ऐसी कि पूछो न्यू ईयर के पहले दिन क्या करते हो, कहेंगे पैदा होता हूँ। चूँकि सियासतदान हैं उनके ऑप्शन खुले होते हैं, इसीलिए विकिपीडिया ने उन्हें अगले ही पैराग्राफ में एक और डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन दी हुई है। शादियां भी दो की, एक दफ़ा तो उन्हें स्कूल में भी बात समझ नहीं आती थी। मेरा वैसे भी घुमा हुआ है, कुछ हो जाएगा, चुप कर। सुना है बीवियों के साथ वादा किया हुआ है, तीन दिन एक बीवी के साथ, तीन दिन दूसरी बीवी के साथ, और इतवार की छुट्टी किया करें। परवेज खट्टक साहब के वालद कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे, उनका बिलीव था कि मटेरियल चाहे कम लगे बिल्डिंग मजबूत होनी चाहिए। उनकी मशहूर बिल्डिंग्स में खट्टक साहब भी शामिल। नज़र ऐसी कि उन्होंने एक बार कहा, मुझे तो केपीके में कोई गरीब नज़र नहीं आता। हुकूमत बदली तो उन्होंने ऐनक बदली, तब जाकर गरीब नज़र आने शुरू हुए। सियासत में बैकडोर राबतों के इस कदर माहिर हैं कि जहां बात बिगड़ जाए, बैकडोर ना भी हो तो दीवार फैलांग कर रबते कर लेते हैं। वो किसी अजलास से नाराज़ होकर उठकर चले भी जाएं तो थोड़ी देर बाद खुद ही अपने आप को मना कर ले आते हैं और कहते हैं मैं तो सिगरेट पीने गया था। सिगरेट पी रहे हो तो देखने वाले को पता नहीं चलता कौन किसको पी रहा है। उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कौमी खजाने से 20 करोड़ 3 लाख की चाय पी है, जिस पर खट्टक साहब ने कहा, ये इल्ज़ाम मुझ पर है या चाय पर है? वज़ीरे दफा थे तो दूसरे ममालिक सब डरते थे, क्योंकि उनको देखकर उनको डर लगता था कि जिस मुल्क का ये वज़ीरे दफा है वो दूब दू लड़ाई नहीं करेगा, एटमी जंग ही करेगा। रेस खट्टक को बंदा एक बार देख ले फिर वो उस पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि ये खाता भी है। वो सियासी चालों के माहिर समझे जाते हैं, ऐसी चाल कि दूर से पता नहीं चलता आ रहे हैं या जा रहे हैं। पीटीआई में प्रवेश खट्टक का किरदार फुटबॉल के गोलकीपर जैसा था, और कई बार गेंद को काबू करने की कोशिश में खुद अपनी पार्टी के खिलाफ गोल कर देते हैं। अब तो वो खुद ही गोल हैं और खुद ही गोलकीपर।